मेरा मकसद है कि इनका परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में दिन दहाड़े हमारे बच्चों को मारते हैं। मैंने बार बार मरकजी सरकार से रिक्वेस्ट किया है इस पर पूरी तौर काम करना चाहिए कि दोबारा ऐसा पेश वाका नहीं आना चाहिए। ब्रोकर है, ब्रोकर, ब्रोकर। मुझे पता है इलीगल हाली ये उनका बच्चा नहीं है, वो बबशीर का बेटा है। जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी न कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको फांसी पर लटकाना चाहिए कि दोबारा ऐसा शैतान कोई हरकत नहीं करेगा। तो बबशीर का यही मिशन है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मगर जो गूंगी सरकार, बेहरी सरकार, ये तानाशाही में न टस में मस नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि खासकर एलजी साहब से मैं फरियाद करना चाहता हूँ, इनका परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। 14 साल का बच्चा, ये तो 14 साल का बच्चा एट्थ क्लास में पढ़ता है। इस ब्रोकर ने मारा उसको, कौन से गुनाह किया उसने कि यहाँ तो ज्यादा ज्यादा आज ड्रग्स चल रहा है, शराब चल रहा है। ये पूरी तौर पर बंद होना चाहिए कि दोबारा ऐसा पेश वाका नहीं आना चाहिए। कहाँ बबरशेर बर्दाश्त करेंगे? बबरशेर की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है मगर अल्लाह ताला मेरा आवाज दबाने की कोशिश नहीं करेगा। जो मेरा आवाज दबाने की कोशिश करेगा उसको अल्लाह ताला जहन्नम तक पहुंचाएगा। मैं पार्टी के लिए नहीं निकला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बचाने के लिए निकला हूँ। न तो मैं कुर्सी के लिए भूखा हूँ, न मैं पैसे के लिए भूखा हूँ। मेरा मिशन है आखिरी सांस तक जो जम्मू कश्मीर का युवा उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा और उनको इंशाल्लाह अच्छे पाले फार्म भी लाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।